चना दाल नमकीन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 2 कप मैंने चना दाल लिया है। आप चना दाल अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा भी आपको नमकीन बनाना है उसके हिसाब से आप उसकी क्वांटिटी को घटा बढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 कप चना दाल लिया है, इसको अब मैं भिगो दूँगी। पानी की जो मात्रा है मैं इसमें चने दाल से भी डबल रखूँगी, क्योंकि चना दाल फूलने के बाद साइज़ में बड़ा हो जाता है, तो पानी की मात्रा ज़्यादा रखेंगे इसमें। ये देखिए मैंने अच्छे से इसमें पानी डाल दिया है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, ताकि हमारी जो चना दाल नमकीन है वो फूली फूली और क्रिस्पी बने। और इसको अब मैं ओवरनाइट ऐसे ही छोड़ दूँगी, ताकि जो चना दाल है वो अच्छे से फूल जाए। इसका अच्छे से फूलना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी जो नमकीन है बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अब मैं इसे 8 से 10 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी ढक करके फूलने के लिए। 8 से 10 घंटे हो गए हैं और देखिए जो चना दाल है वो अच्छे से फूल गई है, साइज में बिल्कुल डबल हो जाते हैं ये फूल करके, बहुत अच्छे तरीके से फूल गई है। मैं इसको चेक कर लेती हूँ, ये देखिए अच्छे से ये टूट जा रही है नाखूनों से। तो बस ऐसा ही चना दाल चाहिए हमको नमकीन बनाने के लिए। अब चने दाल को हम अच्छे से 5 से 6 पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे, ताकि उसमें जो भी अगर गंदगी वगैरह हो वो निकल जाएगी। अच्छे से इसको वॉश कर लेना है। ये देखिए मैंने इसको 4 से 5 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है, और देखिए पानी बिल्कुल अब बिल्कुल भी गंदा नहीं है। तो अब मैं इसको स्ट्रेनर में छान लूँगी, ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा। फिर इसको हम सूखने के लिए रख देंगे। ये देखिए इस तरीके से स्ट्रेनर में छान लेंगे इसको, और इसको 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि जो भी एक्स्ट्रा वाटर है सब निकल जाए। मैंने यहाँ पर एक कॉटन का कपड़ा लिया है, और हमें यहाँ पे कॉटन का ही कपड़ा लेना है, ताकि जो पानी को अच्छे से सोख ले। और ये देखिए मैंने इसको इस तरीके से कपड़े के ऊपर फैला दिया है चने दाल को, ताकि जो चना दाल है वो अच्छे से सूख जाए। और इसे हमें धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना है, ऐसे ही फैला करके आप चाहे तो इसे फ़ैन के नीचे रख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे आप 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। अगर आप इसे फ़ैन के नीचे रख रहे हैं तो 1 घंटे में अच्छे से ये बिल्कुल सूख जाता है, और इस तरीके से बिल्कुल फैला देंगे पतला बिल्कुल। ये देखिए जिसे मैंने फैलाया है उसी तरीके से फैलाना है, और 1 घंटे के लिए छोड़ देना है फ़ैन के नीचे। 1 घंटे में इसका जो भी एक्स्ट्रा वाटर होता है वो सब सूख जाएगा। एक घंटा हो गया है मैंने इसको फ़ैन के नीचे छोड़ दिया था, और ये देखिए 1 घंटे के बाद ये अच्छे से बिल्कुल सूख गया है, इसका जो भी पानी था वो सब अच्छे से सूख गया है दाल का। देखिए बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ मैं, और 1 घंटे में ये सूख जाता है। बिल्कुल पतला फैलाएं ताकि जल्दी से ये सूख जाए। ये देखिए पानी बिल्कुल भी नहीं है, और आप इसे धूप में बिल्कुल भी ना सुखाएं, धूप में इसको नहीं सुखाना है, नहीं तो ये नमकीन जो होगी वो बिल्कुल कड़क हो जाएगी फ्राई करने के बाद। अब हम नमकीन को फ्राई करेंगे, तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, और ऑयल आपको अच्छे से गर्म करना है। और मैंने यहाँ पे इस तरीके का स्ट्रेनर लिया है नमकीन को फ्राई करने के लिए, इससे नमकीन आराम से निकल जाएगा, ऑयल में फैलेगा नहीं। अब इसको फ्राई करना स्टार्ट करेंगे, तो मैंने थोड़ा सा मैंने चना दाल स्ट्रेनर में ले लिया है इस तरीके से, और जितना ऑयल है उसके हिसाब से हमें चना दाल लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं भर लेना है स्ट्रेनर में। और ये देखिए डालने के बाद इसमें बहुत सारे बबल आ जाएंगे, और इसको ऐसे हम चलाते रहेंगे, और गैस का फ्लेम हम यहाँ पे मीडियम कर देंगे, लो नहीं करेंगे और हाई भी नहीं करेंगे, मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे। बीच बीच में इसको हम चलाते रहेंगे, और जैसे जैसे नमकीन फ्राई होता जाएगा इसका जो बबल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और जैसे ही सारा बबल ख़त्म हो जाएगा उसका मतलब होता है कि हमारी जो नमकीन है वो फ्राई हो गई है। ये देखिए नमकीन में जो बबल है बिल्कुल ख़त्म हो गया है, इसका मतलब हमारा जो नमकीन है वो फ्राई हो गया है। और इसको फ्राई करने में टोटल 4 से 5 मिनट लग जाते हैं, और इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करते हैं, बस लास्ट के कुछ सेकंड जो होते हैं हम गैस का फ्लेम हाई कर देते हैं। देखिए अब इसको इस तरीके से छान लेंगे, ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए, और फिर इसको एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे, ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल नमकीन में रह गया है वो उसमें ऑब्जर्व हो जाए टिश्यू पेपर में।
अब इसी तरीके से हम बाकी की जो नमकीन है उसको भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए डालते ही कितने सारे इसमें बबल आ जाते हैं, इसको लगातार चलाते रहेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे और देखिए धीरे धीरे बबल इसके ख़त्म हो रहे हैं। ये देखिए सारे बबल इसके ख़त्म हो गए, तो जो नमकीन है वो फ्राई हो गई है। तब इसको एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो सब निकल जाए। तो देखा आपने कितना आसान है इस नमकीन को बनाना, बहुत ही आसानी से बन जाता है घर पे और टाइम भी बहुत कम लगता है और मार्केट के नमकीन से बहुत ही अच्छा बनता है ये। ये देखिए मैंने सभी चना दाल नमकीन को फ्राई कर लिया है, आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनी है ये। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ मसाले, तो मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर। आप इसकी जगह पे चाट मसाला भी ले सकते हो या फिर आप चाहो तो आप दोनों इसमें डाल सकते हो, आमचूर पाउडर चाट मसाला दोनों। 1/2 टीस्पून लिया है मैंने रेड चिली पाउडर और 1/2 टीस्पून लिया है मैंने ये नमक, आप चाहो तो आप काला नमक भी ले सकते हो। डाल करके अब सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस देखिए हमारी जो चना दाल नमकीन है वो रेडी है खाने के लिए। तो आप लोगों को चने दाल की नमकीन की रेसिपी कैसी लगी? अगर रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। रेसिपी पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।